हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए मायरस मॉम लाइफस्टाइल। और सब बताइए कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा बच्चा कर रहा है सुबह सुबह ब्रश, ये देखिएगा। और आज का छोटू सब लोग आप ज़रूर इंजॉय करना। और उसके बाद मैंने बनाया आलू सैंडविच, हम सब ने इंजॉय किया। और उसके बाद आप देखिएगा क्या हुआ आज, और इंजॉय करिएगा इस व्लॉग को अच्छे से। सो लेट्स इंजॉय दिस व्लॉग। क्यों लेके आए हो केक? ओ माय गॉड, सोनी आपके लिए केक आया है, मेरे लिए नहीं आया। मतलब आपके लिए भी है। ये देखियो जी, देखियो जी। अच्छा, ये देखो जी, जिसका नाम लिखा है ना अंदर, उसी के लिए की। सही बताओ। हाँ। तो मतलब सरप्राइज केक है ये। हाँ। ओके, अब इसको ओपन करने के बाद पता चलेगा कि ये किसके लिए केक है। और ये है विनी का, जो कि हमारा फेवरेट। विनी का केक बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो हांसी से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो अब हम इसको ओपन करते हैं। और ये पता नहीं किस खुशी में, आई डोंट नो, जब हमें एवं दिल से खुशी होती है, हमें एवं केक ले आते हैं, हमें कुछ खुशी का इंतजार नहीं करते। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, ओपन दिस बॉक्स। यहाँ पे ये केक लेके आए थे, और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम दोनों मम्मा बेटे की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और केक देख के तो हम दोनों पागल भी हो जाते हैं। सच में हम दोनों का फेवरेट है केक, तो कभी कभी हम एवी ले जाते हैं। तो ये केक आया किस खुशी में था, आई डोंट नो, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये देखिएगा। ओ माय गॉड, आई नो, मुझे पता है, अब मेरी छुट्टी हो चुकी है, सब चीज मायला के लिए आती है। ओ माय गॉड, मायला के लिए कितना प्याला प्याला सुंदर सुंदर केक। ओ माय गॉड, आर यू हैप्पी बेबी? और मैं हूँ बहुत ज़्यादा भूखड़, इसको देख के मेरे को भूख लगी है खाने की केक, तो हम फटाफट इसको कट करते हैं और खाते हैं यार। एक्चुअली ये हमारा तीज सेलिब्रेशन हो गया है ना बेबी, बिकॉज ऑफ तीज है, तो तीज पे केक आ गया, तो ये हैप्पी तीज। वाओ, मैंने लिया तो था ये मम्मी के लिए, नाम आपका लिखवा दिया गलती से। कोई बात नहीं, शोना बेबी को पता। देख दीदी, दीदी कैसे कर रही है पापा की साइड। सो ये हम तीज सेलिब्रेशन में केक कट कर रहे हैं और फिर खाएंगे। और आप सब भी इंजॉय करना यार, किसी को खाना तो हमारे घर आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। सो कट करो बेबी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू मायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मायरा। फालतू में कुछ भी बोल दो, केक तो कट करना ही है। सो हमारा केक तो कट चुका है, बस अब इसको पेट में जाने की तैयारियां स्टार्ट है। ओ माय गॉड, केक खाएगा सबसे फर्स्ट बाइट ऑफ माय कृष्णा। आओ कृष्णा जी, खाओ। एंड फिर मायरा, सबसे पहले मायरा को खिलाते हैं पापा, है ना। अरे वाह, ले वाह, ले वाह, ले वाह, ले वाह, ले वाह, बच ले, छोल दे ले, छोल दे ले। अब हम इसको फिनिश करने के बाद मिलते हैं, ओके। केक फिनिश करने के बाद मैंने बनाया था लंच में फ्राइड राइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने फिर फ्राइड राइस इंजॉय किए। और ये व्लॉग छोटा सा है, ये तीज से तीज वाले दिन का है आई थिंक सो, मुझे अच्छे से याद नहीं है यार, बिकॉज़ अब की बार मैंने तीज नहीं बनाई। एंड मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी ना, मैं कहीं गई ना, मैं रेडी हुई और ना मैंने तीज सेलिब्रेट की। और शोना बेबी का भी हॉलीडे नहीं था, बट इसका हॉलीडे हमने करवा दिया था, बिकॉज ऑफ सबका हॉलीडे था, मेरे जेठानी के लड़के वगैरह कोई नहीं गए, तो इसकी अब भी हॉलीडे हो गया था, और मैंने उस दिन कुछ नहीं किया। और फिर हम शाम को गए, सुबह मैंने बनाया सैंडविच, दिन में मैंने बनाए फ्राइड राइस, और शाम को हम, सॉरी रात को हम डिनर पे गए। थोड़ा सा हम डिनर करके आए, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बाहर गए थे डिनर करने के लिए। सो बस कुछ इसी तरह से हमने तीज सेलिब्रेट की, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया अब की बार। सो जो मैंने किया था आपके साथ शेयर कर दिया है। सो देखिएगा गाइस, मेरे फ्रीजर का क्या हाल हुआ पड़े है, शिमला बना पड़े है, शिमला कैसे बर्फ़ जमी हुई है। ओ माय गॉड, किस किस के फ्रिज में ऐसा होता है मुझे बताना। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें एक सॉल्यूशन है यार इसके लिए। देखो, इसकी वजह से ये बंद नहीं हो पा रहा, देखो, बिकॉज ऊपर आइस है, आइस जमी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे जो ये वाला बटन होता है ना, इसको ऑन कर देंगे। दबा दिया, अभी सारी बर्फ़ मेल्ट होके नीचे आ जाएगी।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय. टेक केयर लवली पीपल. कॉमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्वस्थ रहो मस्त रहो. मेरे ब्लॉग देखते रहो.